याट तो बड़ा महंगा शौक है, करोड़ों रुपए की याट आती है, तो ये शौक कब से पाल रखा है? देखिए, समंदर में आने का शौक मेरा बड़ा पुराना है। मैं इस मरीना क्लब में 99 में मेंबर बना था, 1999, और उस वक्त हमारे पास पंटून बोट होती थी, फिर मैंने स्पीड बोट ली, फिर वाटर स्कूटर जिसे जेट्स की कहते हैं, वो काफ़ी मेरे पास यहाँ तीन है, और फिर फाइनली ये मैंने यॉट ली। ये कितने की होगी? बस ले ली, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, फैसल वाडा साहब के पास यॉट थी, तो एक दिन वो मुझे ले गए अपनी यॉट पे घुमाने, तो मुझे पसंद आई, तो मैंने वापसी पे उनसे कहा कि ये मेरी हुई। वो भी बड़े दिल के आदमी हैं, कहने लगे आपकी हुई, तो बस इसी तरह हमारे दरमियान एक सौदा हो गया। 12-14 करोड़ की तो होगी। बस ले ली हमने, अल्लाह ताला ने दिलवा दी, शौक था, और कोई 10-15 साल से जब से मेरी शादी हुई, 16 साल, कोई संडे ऐसा नहीं था जब हम फैमिली के साथ, बच्चों के साथ मैं इस यॉट पे नहीं आता, बोट पे। कराची शहर में जहाँ इतना पोल्यूशन है, इतनी आवाज़ें हैं मोटरसाइकिलों की, बसों की, तो यहाँ आकर गोल्फ क्लब के पास हम ये एंकर कर लेते हैं और वहाँ बैठ के घंटा दो घंटा गुजार लेते हैं। तो सॉरी साहब, लोगों को तो पता नहीं है कि आपका बड़ा पुराना सियासी पस मंज़र है, आप पीर पगाड़ा के पास रहे, बहुत साथ उनके रहे, अरबाब रहीम आपके बड़े दोस्त रहे, चौधरी शुजात के घर भी आप रहे, तो ये जो शख्सियात थी, इनके साथ कैसे वक्त गुजरा और इनके साथ कैसे वक्त गुजरा? जी देखिए, मेरी जो सबसे पहली दोस्ती मेरी हुई वो जनरल मुशर्रफ, जब मंगला डैम के कोर कमांडर थे, एक शायर हुआ करते थे हकीम नासिर, उनसे मेरा बड़ा ताल्लुक था, तो मैं कराची में सोशलाइजिंग उनके साथ करता था, तो वहाँ हमारी दोस्तियाँ इनसे हो गई, और फिर वो लंबा अरसे तक जनरल मुशर्रफ की दोस्ती चली, फिर बीच में पीर साहब पगाड़ा और चौधरी शुजात साहब के साथ भी ताल्लुक़ हो गया। और यहाँ मैं ये बता दूँ कि चौधरी शुजात साहब ने, जिसे कहते हैं ना बुरे वक्त में कौन खड़ा रहता है, जब मेरे पे क्राइसिस था और मैं एग्जाइल में था, कहते हैं बदीन में आपने ज़मीनें भी ली थी अरबाब रहीम के साथ, वो सब गलत था, और अल्हम्दुलिल्लाह मिर्ज़ा से आपकी ये मुखालफत थी? नहीं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के उस बिजनेसमैन पर केसेस बनाए जिसे जनरल मुशर्रफ ने गोल्डन सन ऑफ पाकिस्तान का टाइटल दिया, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज लाने में, और मेरी कोई ज़मीन बदीन में ना पहले थी ना आज है, और फिर ख़ुद शर्मिंदा, मतलब आप देखें अल्लाह ताला ने मेरे सारे केसेस से इज़्ज़त बरी किया, लेकिन वो एक साल मैंने लाहौर में चौधरी शुजात साहब के घर गुजारा, और दोनों भाई परवेज़ इलाही भी और चौधरी शुजात साहब भी, उन्होंने बड़ा ख्याल किया, चौधरी साहब की जो मिसेज़ है उनके साथ हमने उमरा भी किया, बेटे सालिक और रासिक के साथ जो उनके परवेज़ इलाही के बेटे थे, और शाफे जो शुजात साहब का एक बेटा है, तो इनके साथ मैंने कोई एक साल लाहौर के अंदर आपके गुजारा, तो वो वक्त मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उन्होंने बड़ा प्यार दिया। जनरल मुशर्रफ कैसे आदमी थे? जनरल मुशर्रफ जी, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि ज़बरदस्त आदमी थे, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी सियासी मुखालफत अपनी जगह पर, लोगों से आमरीत के हवाले से 100 बातें हैं, वो अपनी जगह पर बहसीत इंसान, आज अल्लाह ताला इस दुनिया में नहीं है, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, लेकिन मेरे लिए बड़े शफीक इंसान थे। मैंने आधी दुनिया उनके साथ देखी, जितनी भी ट्रैवलिंग थी, क्योंकि उन्होंने जेम्स एंड ज्वेलरी को अपने उस साथ नुकाती, जो उनका एजेंडा था जिसमें उन्होंने एक्सपोर्ट में रखा था, उसमें जेम्स एंड ज्वेलरी था, और मैं उस वक्त फेडरेशन की तरफ से चेयरमैन था ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग का, अरबाब रहीम साहब के साथ भी बड़ा। अरबाब रहीम साहब के बारे में तो सियासी तौर पर बड़ी मुतनाज़ बातें की जाती हैं, आपके साथ कैसा भी है? बहुत अच्छे इंसान, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे चीफ मिनिस्टर गुजरे हैं सूबे में, लेकिन ये मैं बिल्कुल खुले समंदर में हूँ, मैंने उनसे ज़्यादा ऑनेस्ट और ईमानदार आदमी नहीं देखा बहसीत गवर्नर से। उन्होंने बहुत अच्छा टाइम गुजारा, उन्हें मेरे सामने करोड़ों रुपये की ऑफर्स होती थी, लेकिन उन्होंने कभी एक रुपए का गबन या कोई करप्शन नहीं, ये बिल्कुल सही बात मैं आपको बता रहा हूँ।
आपने बहुत टाइम मुत्तहिदा के साथ गुजारा, इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कत्ल व गारत के, दहशत गर्दी के, स्मगलिंग के, मनी लॉन्ड्रिंग के, तो ज़ाहिर है आपके भी सारा कुछ सामने होता रहा। मैंने MQM पाकिस्तान जो ज्वाइन किए जी वो 2016 के एंड में किए। ये वो टाइम है जब फारूक सत्तार साहब MQM के सरबरा हैं। जो पिछला वाला टाइम था उस वक्त तो आधे से ज़्यादा MQM मेरी दुश्मन हुआ करती थी, और उस टाइम पे तो हम पीर साहब पगाड़ा के साथ थे, और उसके बाद भी फिर 2-3 साल हमारी लड़ाई रही है जिसमें मैं और डॉक्टर फारूक सत्तार जो हैं वो MQM से आउट थे। उसके बाद ये 2021 के एंड में यानी 22 में मैंने फिर दोबारा मुझे उन्होंने मेरी डिप्टी कन्वीनियरशिप बहाल की। अब आप गवर्नर हैं, सिंध के अंदर इंतखाबात होने हैं, अब आप कैसे मुनसफी करेंगे कि पीपल्स पार्टी भी खुश हो, मुत्तहिदा भी खुश हो, तहरीक इंसाफ भी नाराज़ ना हो, क्या करेंगे आप? देखिए, जो गवर्नर का रोल है वो तो आइन और कानून की पासदारी करवाना है और सूबा आइन और कानून के मुताबिक चले। इलेक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें तो अब इलेक्शन कमीशन और निगरा जो वज़ीर आला हैं और उनकी जो कैबिनेट है, बेसिकली ये उनका काम है। मेरा काम सिर्फ इस चीज़ पर नज़र रखना है कि कोई भी शख्स किसी के साथ जो है वो ज़्यादती ना करे, अपने जो इख्तियारात हैं उसका नाजायज़ इस्तेमाल ना करें, और उन चीज़ों को मैंने देखना है जो कानून और आईन के मुताबिक ना हो रही हो। तो मैं समझता हूँ कि जो गवर्नर का रोल है वो बड़ा क्लियर है, और उसमें मेरा जो ऑफिस है उसका काम तो बैलेंस करवाना है बिटवीन पावर कॉरिडोर और सियासी जमातों के दरमियान और लोगों के दरमियान। तो मैं नहीं समझता कि गवर्नर जो है उसमें कोई रोल ऐसा प्ले करे जिसमें किसी एक पार्टी के साथ कुछ जाती हो सकती है। पीपल्स पार्टी को शिकायत है कि पंजाब के अंदर डेवलपमेंट के जो मंसूबे हैं पिछली हुकूमत के वो जारी हैं और नए भी मंसूबे बन रहे हैं, सिंध में क्यों नहीं? देखिए, मैं तो कभी कभी लाइटर मूड में कहता हूँ कि मुझे तो कौमी इत्याद लगता है कि सिंध और कराची में जो तरक्की है उसे कहीं ना कहीं रोका जाता है और रुक रही होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब से मैं इस मनसब पर बैठा हूँ, और ये चाहे निगरा हुकूमत हो या इससे पहले शहबाज शरीफ साहब का जो एक साल था उसमें खुसूसी तवज्जो दी गई है सिंध पर और कराची पर, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि अभी जितने भी तरक्याती मंसूबे थे उन्हें इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया है, जो कि नहीं रोकने चाहिए थे। और जब निगरा हुकूमत आई है तो ज़ाहिर है उस पर एक एतमाद है और एतमाद करना चाहिए, और मैं समझता हूँ उन फंड्स को रिलीज़ कर देना चाहिए ताकि जो तरक्की, क्योंकि देखें जब कोई प्रोजेक्ट बन रहा होता है उसकी टाइमलाइन जो है वो मेन जुज़ होती है उस चीज़ को कम्प्लीट कराने का। अगर आप 3 महीने किसी प्रोजेक्ट को डिले करते हैं तो वो 3 साल डिले हो जाता है, और मैं समझता हूँ कि बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर जो भी कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि काम को रोका जाए। तो अगर इलेक्शन कमीशन इस बात को सुन रहा हो तो उन्हें फौरी तौर पे इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि ये जो डिले है इससे पूरा प्रोजेक्ट 3 साल के लिए डिले हो जाएगा और कंपनीज वापस भी चली जाती हैं।